लगन जीत की लगन तुम रखो जीत की लगन जीत की लगन जीत की लगन तुम रखो जीत की लगन जीत की लगन जीत की लगन तुम रखो जीत की लगन जीत की के करीब इतने खूबसूरत गांव में उन्होंने छोटी छोटी जिन्हें हम देसी जुबान में डोगियां कहते हैं इनको आबाद किया और शहर भर से ही नहीं। मैं यहां पे सुन रहा था कि एक किसी नौजवान के साथ कांगड़ा का लफ्ज था, एक के साथ कोस्तानी था और एक मेरा भाई भटग्राम से भी आया हुआ है। मैं समझता हूँ हजारेवाल तमाम यहाँ पे मौजूद थे, नुमाइंदगी मौजूद थी। ये बहुत अलग जो एक्टिविटी आपने करवाई है, इसके लिए तमाम इंतजामिया जो इस क्रिकेट की टूर्नामेंट की है उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखसूस वो टीमें जिन्होंने इस खेल में हिस्सा लिया और अपनी उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा यहाँ पे आगे किया। वो हारे हैं या जीते हैं, वो पहला मैच था या आखिरी मैच था, वो तमाम के तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हमें ऐसा मुआशरा चाहिए जहां पे आप जैसे मैदानों में उतरने वाले लोग हों और वो मुस्तकबल की बागडोर संभाले, हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। और उससे ज्यादा खुशी मुझे इस चीज की है, मैं जिस भी इवेंट पे गया हूँ बिलखसूस ऐसे स्पोर्ट्स के इवेंट में कि मैं देखता हूं कि वो गली मोहल्लों में हो या ग्राउंड्स में हो, आप लोग एक बेहतरीन जो इवेंट प्लान करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो नुमाइंदगी होती है वो हमारे इन छोटे छोटे बच्चों की होती है। ये हमारी मुस्तकबल के मामार वो लोग हैं जो आज आपकी मुस्बत सरगर्मियों को देखेंगे तो इनका शौक मैदानों की तरफ बढ़ेगा और उनका वो जो शौक है वो इनको मर्द बनाएगा जो हालात से टकराएंगे और हमारे इलाकों की पसमानगी और तरक्की के लिए वो काम करने के लिए ऐन हो सकेंगे। क्योंकि ये क्रिकेट का माहौल है, मैं अपने इलाके की पसमानगियों को देखता हूँ तो दिल जरूर रोता है। आज जबड़िया में खड़ा हूँ और इस जबड़िया का हवाला हो, हजारा कौमी माज का प्लेटफॉर्म हो और मैं यहाँ जबड़िया के उन लोगों का शुक्रिया ना अदा करूँ जिन्होंने 1987 से लेके 2012-13 तक हजारा कौमी माज का साथ दिया, बिलखसूस अपने उस भाई फयाज का। मुझे नहीं पता वो आजकल यहाँ पे गांव में मौजूद है कि नहीं है, लेकिन वो हमारा वो मर्द मुजाहिद भाई था कि जिसने हमेशा सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह शहरों में मुजाहरे भी किए, लाठी चार्ज भी खाए, लेकिन वो डटा रहा, वो इस जबड़िया का सपूत था। मैं आप तमाम जबड़िया वालों को खिराज तहसीन उसकी वजह से पेश करता हूँ। ये आपकी अपनी वो सियासी जमात है जो इन इलाकों की महरूमियां आप लोग यहाँ पे बैठ के देखते हैं, हम उसकी दुआई देने के लिए मैदानों में मौजूद हैं। हम हर वक्त ये कहते हैं कि हमारे इस खित्ते को सुबह बनाओ ताकि ये जो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है ये हमारे हाथों में हो और हम अपने इन बच्चों के लिए अपने मुस्तकबल को संवार सके। अगर हमारे इन ज़खीरे खित्तों के ऊपर हमारा अपना सूबा हो तो क्या मजाल कि हमें किसी पिशावर की सरकार के पास जाके बैठ के यहाँ इन छोटे छोटे खेतों में मैच खेलने से बेहतर था कि एक बड़ा ग्राउंड यहाँ पे बना होता, आपके अपने लोग इंतजामी अफसरान बैठे होते, आपके भाई होते तो आपके ये जो बुनियादी मसाइल हैं इनको हल कर सकते। बहरहाल हमारी सदा सुबह हजारा है, यहाँ पे खड़ा हूँ तो एक चीज में जरूर दिल से चाहूंगा, नौजवान हैं हजारेवाल हैं और हम ये चाहते हैं अपनी जात के लिए नहीं अपनी नस्लों की बका के लिए कि हमारा खिता हो जिसका नाम हो सुबह हजारा, वो पाकिस्तान की माशी हब बने और हमारी इन इलाकों की महरूमियों का अजाला करे। मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से, बच्चों समेत बुजुर्गों समेत, मैं ये चाहूंगा कि आप उस नारे का जवाब जरूर दें। ऊंची आवाज में बोले, कम अज कम आवाज तो जाए शहर तक। इक्की नारा सुबह लेके रहेंगे, अच्छा टूर्नामेंट इस गांव के अंदर जिस तरह ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इतने मुश्किल हालात में जो आजकल जो मुल्क के माशी हालात हैं, जो नफसा नफसी का दौर है, इस दौर के अंदर इस गांव के अंदर और इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद करना मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं तमाम ऑर्गेनाइजिंग टीम को,
मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। जो हमारे मुल्क के अंदर जो काम अदारों का करना चाहिए था वो हमारी यूथ कर रही है, ये हमारे लिए एक बड़ी खुशहाली बात है, क्योंकि जो हमारे मुल्क के माशी हालात हैं मुझे तो नहीं लगता कि कभी भी हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमें बेसिक नेसेसिटीज जिनमें हमारी हेल्थ एजुकेशन वो हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो हमारे ग्राउंड लोग क्या बात करेगी। तो इसलिए जिस तरह इन्होंने अपना ग्राउंड मेंटेन रखा सेल्फ हेल्प बेसिस पे अपने पैसे कंट्रीब्यूशन के साथ, इस ग्राउंड को इन्होंने मेंटेन किया, इस ग्राउंड को बनाया और इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ये तमाम मेरी तरफ से इन सब को मुबारकबाद। और मैं जो हमारी जो टीम है, जो विनर टीम है उनको और जो हमारी रनर अप है उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये गेम जो है ये खेल एक हिस्सा है, हार जीत को इतनी बड़ी बात नहीं होती, इसमें आपने आगे बढ़ना है, यूथ ने आगे बढ़ना है, क्योंकि इस एक्टिविटीज हिस्सा की हेल्थी एक्टिविटीज के साथ ना सिर्फ आप जो है अपने आप को जो हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त जो बुराइयां हैं जिस तरह मंशियात का इस वक्त दौर हो रहा है, जहाँ हमारे यूथ जो है वो चर्स के अफीम के आइस के नशे पे उनको लगा दिया गया है, इस तरह अगर हमारे ग्राउंड आबाद होंगे तो हमारे यूथ जो है इस चीज़ों से वो दूर हो जाएगी, हेल्थी एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को मसरूफ रखेगी, तो उसके साथ साथ उनकी जो तालीम के जो गैर नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ जो नसाबी सरगर्मियाँ हैं उसमें भी वो अपनी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगी। तो मैं जी जो मैंने देखा हमारी जो हमारी ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत बड़ा इस पर एक्सपेंस भी आया था, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि मैं एक छोटी सी अमाउंट अपनी तरफ से 10,000 रुपया आपकी ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ के लिए मैं अनाउंस करता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे करके जाऊँगा। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह जिस तरह अभी आपने प्रोग्राम किया इसी तरह आप आइंदा भी इन नौजवान नस्ल के लिए इसी तरह के आप इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे।